हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मोर टेक विद पीएस में आप सबका स्वागत है। आज एमएस एक्सेल का फोर्थ पार्ट है। बाकी हम लोग पिछले वीडियो में होम इंसर्ट और पेज लेआउट को देख चुके थे। आज फोर्थ पार्ट में हम लोग फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस बेल आइकन, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए वीडियो कब शुरू करते हैं। देखिए, आपका ये जो फॉर्मूला टैब है, इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखिए, जैसे फाइनेंशियल में देखते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको एक वीडियो में समझना नामुमकिन है। इसीलिए मैं आपको जो इसमें से बेसिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका डेली में काम आ जाए, उसको मैं आपको बताऊंगा। और बाकी मैं ऐसी पार्ट वाइज खाली फॉर्मूला का वीडियो लाऊंगा, जिसमें खाली जैसे फर्स्ट पार्ट में फाइनेंशियल लॉजिकल, दूसरे पार्ट में टेक्स्ट, जो आपको सिंगल सिंगल करके आपको बताऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंसर्ट फंक्शन से। देखिए, अब इंसर्ट फंक्शन क्या होता है और ऑटो सम, ये दोनों सेम ही एक तरफ से है। तो ऑटो सम तो आप देखे होंगे कि मैं आपको वर्ड में भी बता चुका हूँ और इसमें भी बताया हूँ। देखिए, ऑटो सम यहाँ भी दिया गया है होम में। एवरेज निकालना, काउंट, मैक्स, ये मैंने आपके ऑटोमेटिक निकालता बिना फॉर्मूला के, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मेरे को इंसर्ट, जैसे मैं यहाँ तक के एक नंबर लिखा हूँ, देखिए इसमें सेल्स में लिखा हूँ नंबर 3, ठीक है। जैसे मेरे को इसको प्लस करना है, तो इसको मैं ऐसे सिलेक्ट किया, ऑटो सम में जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसका जो प्लस है 205 आ गया, ठीक है। अब मेरे को जैसे ये तो आपका हो गया सिलेक्शन में ऑटो में, लेकिन आपको जैसे यहाँ पर पूरा नंबर दिया गया है और आपको इस तरह, तो आप सिलेक्शन करके इधर आपका तो प्लस नहीं होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट, एक तो स्टार्ट ब्रैकेट, फिर इसके बाद आपको जो वैल्यू लेना है, या तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं C4, जैसे देखिए C4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको सिलेक्ट, यहाँ पर से जो कर्सर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए C4 हो गया, ये इसका है C4। अब प्लस किसको करना है, अगर आप रेशियो, अगर रेशियो अगर डालते हैं, देखिए रेशियो का साइन जैसे इस तरीके से, देखिए रेशियो का साइन अगर डालते हैं तो आपका ये यहाँ तक के, जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ 85 तक के, तो ये पूरा एरिया आपका प्लस हो गया। लेकिन आप खाली दो नंबर को अगर पर्टिकुलर बने, इसको आपको प्लस करना है, तो उसको आपको रेशियो की जगह आप यहाँ पर प्लस डाल दें। जैसे यहाँ पर मैं प्लस डाल देता हूँ, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्लस डाल दिया, ठीक। अब सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे को ये दो नंबर का प्लस चाहिए, तो इसमें सिलेक्ट किया, अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर दबाइए, तो देखिए आपका इन दोनों का 120 टोटल आ गया। अब आपको तीनों का टोटल करना है, तो वही सेम है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिए, अब यहाँ आपको रेशियो डालना है, अब यहाँ पर आपको 85 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, फिर एंटर कीजिए। देखिए आपका जो यहाँ पर 205 था, यहाँ भी 205 टोटल करके आ चुका है, ठीक है। अब इसको जैसे देखते हैं इंसर्ट फंक्शन में, इंसर्ट फंक्शन में देखिए आपके एक ठो टैब खुला, इसमें सब देखिए, इसको पहले हटा दीजिए, इसको क्या पूरा डिलीट कर दीजिए। अब इसमें आप सर्च कीजिए सम, इसमें देखिए आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैनी मैनी फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें से आपको जो सम किया, ठीक है, इसको आप गो करें, तो इसमें देखिए सम का आ चुका है। अब सम आने के बाद इसको सिलेक्ट किए, अब आपको मेरे को ये पूरा एरिया को प्लस करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देखिए पहले ओके कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ओके किए, अब मेरे को ये तीनों एरिया को प्लस करना है, चारों को ऐसे कर दिए। अब जब ओके कर देंगे तो आपके देखिए यहाँ पर निकल के आ चुका है 410 इसका टोटल अमाउंट, ठीक है। अब ऑटो सम में तो आपको मैं समझा दूंगा, एवरेज वेज जैसे निकालते हैं। चलिए थोड़ा टेबल में आते हैं, सबसे पहले ये टेबल में आगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब मेरे को इसमें से टोटल निकालना, टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ऑटो सम में जाइए, क्लिक कीजिए, बस ये आपका टोटल आ गया। अब यहाँ से प्लस का साइन दिख रहा है, इसको नीचे तक के पूरा कर दीजिए, तो ये देखिए आपका ये जो पूरा टोटल है, यहाँ का जो जितना जो स्टूडेंट टेबल था उसका जो नंबर, यहाँ टोटल हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो अब एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एवरेज लिख दिए, अब मेरे को ये इस नंबर का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए, अब ऑटो सम में गए, एवरेज में क्लिक किए, ये देखिए इतना एरिया का
लेकिन मेरे को इतना एरिया का नहीं लग रहा क्योंकि ये रोल नंबर है, तो इसको पहले हटाते हैं। रुकिए, देखिए अब एवरेज निकालने के लिए इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंसर्ट फॉर्मूलाज में जाके यहाँ पर देखिए ऑटो सम लिखा है, उसमें एवरेज जब कर देंगे, देखिए आपका जो एवरेज यहाँ से निकल चुका है। फिर यहाँ तक पूरा इसको खींच दीजिए तो यहाँ से देखिए पूरा आपका ये जो एवरेज भी निकल के आ चुका है। इसी तरीके से आप इसमें अकाउंट नंबर मैक्स कितना नंबर इसमें से मैक्स जैसे देखिए पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें से किसका नंबर ज्यादा है तो यहाँ जब जाएंगे तो जब मैक्स में क्लिक करेंगे तो देखिए 95 सबसे इस जो कॉलम में सबसे ज्यादा 95 सॉरी ज्यादा नंबर है, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज होता है। अब रिसेंटली यूज क्या होता है, देखिए जैसे मेरे फर्स्ट सीट, टू सीट, थ्री सीट, फोर सीट, मैंने फाइव सीट, सिक्स सीट, सेवन सीट, इसमें जो जो मैंने फॉर्मूला यूज किया हूँ ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो एक्सेल का जो खुला है पेज उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया पूरा ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल में देखिए आपका क्या क्या दिया गया है तो इसमें से पहले आते हैं दूसरे पेज में। देखिए अब आपके यहाँ जैसे मान के चलिए कोई आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको लोन अमाउंट या कुछ निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक तो एग्जांपल के लिए लिख चुका हूँ, लोन अमाउंट 2.5 लाख रुपए, ठीक। इंटरेस्ट रेट हो गया 8%, टाइम हो गया 5। अब इसमें से जैसे मेरे को निकालना है लोन अमाउंट तो नहीं सॉरी मेरे को देखिए इसमें PMT निकालना है, मतलब मेरे को इसमें निकालने का कितना मतलब आपका EMI बन रहा है। PMT का मतलब हुआ आपका EMI निकालना, तो मैं पहले से इसमें निकाल चुका हूँ। देखिए मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके का ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसको यूज करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे निकाला है, तो अब इसका मेरे को PMT निकालना है तो PMT निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, फिर PMT, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखिए आपका नीचे में माउस को देखिएगा, आपका नीचे में लिखा हुआ है रेट, इसके बाद क्या लिखना है रेट, रेट कितना है 8%, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए 8% को, आपका 8% रेट है, ठीक है। अब इसको आपको कि पर जो 8% जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है ये तो आपका इसको क्या करना है आपको डिवाइडेड 12 मंथ का, मैंने ये 12 मंथ का आ रहा है तो इसको डिवाइडेड किए इसको 12 कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए दिखाया गया है कि कोमा किए, ठीक। अब इसमें दिखा गया PV, तो इसमें से आपको अब इसमें बताने टाइम कौन से ईयर में, तो ईयर को पहले डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको देखिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए 5 में, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है इनटू 12th मंथ, मतलब जो 5 साल है इसको देखिए आपका EMI तो मंथली बनेगा तो इसको इनटू कर दीजिए, जैसे मैं इनटू कर दिया 12th मंथ, 12 कर दिए, ठीक। फिर से कोमा डालिए, कोमा डाल दिए। अब आपको पूछ रहा है कि लोन अमाउंट कितना 2.5 लाख का है, 2.5 लाख हुआ। अब इसको क्लोज कर दीजिए, फिर इसको एंटर कीजिए तो आपका देखिए आपका जो लोन अमाउंट है मैंने माइनस में आ गया, जो आपका कटेगा इसलिए माइनस में आ रहा है, 5069 रुपीज आ गया, ठीक है। ये आपको हो गया EMI निकालना। अब आपको निकालना है जैसे IPMT, IPMT का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट निकालना कि आपके जो आप लोन लिए हैं उसका कितना इंटरेस्ट आपका मंथली जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए अब इसको मंथली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इक्वल टू देखिए मैं आप डबल क्लिक इसको फॉर्मूला देखने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। देखिए इक्वल टू PMT लिखा, ठीक, सॉरी ये तो मैं इसका बता रहा था, इसका देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट वाले यहाँ पर है। देखिए अब क्या किया इसके लिए आपको IPMT, ठीक है, इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब इसके बाद मैं देखिए E6 लिया हूँ, मैं क्या लिया पहले रेट 8%, ठीक। फिर बाय किया 12th मंथ का, क्योंकि इसको करना जरूरी है, अगर आपको थोड़ा मैथ्स का नॉलेज होगा तो आपको खुद समझ रहे होंगे बात को। फिर आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है कॉमा आया, फिर आपको दिया गया है कि देखिए इंटरेस्ट हर महीने चेंज होते रहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 लिखना पड़ेगा कि मैंने एक महीने का कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट है हमेशा चेंज होते रहता है, यहाँ लिख दिया। अब E7 क्या हुआ,
आपका इंटरेस्ट रेट, सॉरी आपका ये हो गया टाइम ईयर कितना, ये आपका इसमें क्लिक कर देंगे तो E7 ऑटोमेटिक आ जाएगा ठीक, इनटू 12th मंथ ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रखिएगा। फिर इसमें E5 मतलब क्या हो गया, ये लोन अमाउंट लिया मैं 2.5 लाख रुपए ठीक है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, जब इसको एंटर करेंगे तो आपका देखिए 1600 रुपए लगभग आपका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है। बस PMT क्या है, इसका प्रिंसिपल निकालने के लिए PMT कितना आएगा, इसमें क्लिक करते हैं, PMT किए ठीक। इसको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है, पहले इंटरेस्ट को लिखना है यहाँ पास, फिर इनटू सॉरी इसको डिवाइड करें 12th मंथ में, फिर कॉमा डाले, फिर एक मंथ का निकालना है इंटरेस्ट, फिर आपको इसमें टाइम ईयर का करना है ठीक है, फिर इनटू किए 12th मंथ के लिए, फिर E5 तो इसमें से आपका जो जब इंटर करेंगे तो आपका ये देखिए इसको और इसको टोटल करेंगे तो आपको इतना 5000 तक के आ जाएगा ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको इतना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका देखिए ये हो गया EMI, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, और ये आपका प्रिंसिपल कितना हुआ ठीक है, मैंने आप कितना मतलब उसको पे कर रहे हैं, मतलब आपका जा रहा है जो लोन लिए है ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक बार मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं PPMT निकाल रहा हूँ ठीक, इक्वल टू PPMT ठीक है। अब यहाँ पर वो किया मैं, अब इसमें इंटरेस्ट डालना, इंटरेस्ट में यहाँ क्लिक कर दीजिए ठीक है। अब इंटरेस्ट को इसको 12th मंथ में करना है ठीक है, 12 ठीक। अब इसको 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, 1 लिख दिए ठीक, फिर कोमा डालना है, फिर अब पूछ रहा है कि टाइम ईयर, इसको किए, अब इनटू कर देना है 12th मंथ के लिए ठीक। अब इसको फिर करने के बाद फिर कोमा डाले, कोमा डालने के बाद फिर देखिए कितना अमाउंट है, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख आया, इसमें किए, फिर एंटर दबाएंगे तो देखिए आपका कितना तक के आ चुका है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल हो गया, अब लॉजिकल आते हैं ठीक है। अब लॉजिकल समझते हैं, देखिए अब लॉजिकल क्या होता है, जैसे देखिए ये एक स्टूडेंट टेबल है ठीक है, इसका रिजल्ट निकालना है, मैंने इसका कंडीशन, मैंने इफ, मैंने ये कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है इसमें मेरे को निकालना है, तो इसको सेट करते हैं। तो आप एक एक करके लिखेंगे तो आपका टाइम हो जाएगा, कौन पास कौन फेल इतना लिखेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला है, देखिए लॉजिकल में पहले बहुत सारा देखिए दिया गया, इफ फॉल्स एंड बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको मैं आपको अलग वीडियो बना के पूरा एक एक डिटेल बताऊंगा ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, अब इसको लॉजिकल निकालते हैं, इफ से बनाते हैं ठीक है। तो इक्वल टू इफ का पहले लिखना है, इक्वल टू देखिए पहले टोटल एवरेज ये सब निकाल लिया ठीक है, तो पहले इफ किए ठीक, इफ किए ब्रैकेट स्टार्ट किए ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें आपको क्या लिखना, एक तो वैल्यू लेना, जैसे एवरेज का एक तो वैल्यू ले लिया, मैं क्लिक कर दीजिएगा एवरेज में एक तो में ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि अब इसमें से आपको ग्रेटर देन लेना है, जैसे ये ग्रेटर देन मतलब 40 से जो ग्रेटर देन है वो मतलब पास है, तो उसको ये ले लिए, फिर इसमें कोमा डालिए, फिर कोमा डालने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा आया ठीक। अब इसमें आपको लिखना है पास, अगर आप थोड़ा सी प्लस का भी देखे होंगे तो इसमें आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ये हो गया, ये इसको क्लोज कर दिए इन्वर्टेड कोमा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नीचे में एक तो सिंगल कोमा डालें। अब इसके बाद आपको फिर से इफ लिखना है, इफ ठीक, इफ लिखने के बाद फिर से इसको जो आपके एवरेज का फिर ये नंबर को ले लेते हैं, ये पहले इसको फिर से आपको वो करना है, ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट डाले स्टार्ट किए ठीक। अब इसमें से फिर से ये नंबर ले लीजिए, देखिए 70 जो था इसको ले लिए। अब फिर इसके बाद फिर अब लेस देन का साइन ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद फिर से 40 लिख दीजिए, 40 लिख दिए, फिर से कोमा डाल दिए, अब फिर डबल इनवर्टेड कोमा वाले जो आता है इसको डाले, अब इसमें फेल कर देते हैं, फेल किए, फिर क्लोज कर दीजिए उसको डबल कोमा वाले से, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको देखिए दो बार इफ लिया कंडीशन में, फिर से आपको एक थॉर को लेना पड़ेगा ब्रैकेट, फिर जब आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए पास आ गया ठीक। अब इसको यहाँ से प्लस करके जो घीच यहाँ से नीचे तक के लाएंगे तो देखिए जिसका 40% से कम है तो उसमें देखिए जिसका फेल आ गया, देखिए ये 40% से कम है 27.6 और देखिए 33.86 तो मैंने जो जो फेल है इन लोग, और जो इसका ज्यादा है तो लोग पास है। इस तरीके से आप रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट,
टेक्स्ट क्या होता है, इसमें से भी आपको मैं मेन मेन पॉइंट लेता हूँ, टेक्स्ट को समझते हैं आप। चलिए देखिए अब टेक्स्ट क्या होता है, इसमें से देखिए मैं कुछ ऑप्शन ले चुका हूँ, राइट, लेफ्ट, प्रॉपर, अपर, लोअर और क्लीन, ठीक है इसको लिया हूँ मैं। कुछ एग्जांपल के लिए एप्पल, कंप्यूटर, मोबाइल, फ्रिज, ये सब लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें से मेरे को देखिए बता रहा, राइट मतलब क्या होता है कि मेरे को जैसे आप इक्वल टू फॉर्मूला डाले, इक्वल टू राइट, मेरे को राइट से तीन वर्ड चाहिए, ठीक है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो अब मेरे को राइट से थ्री वर्ड चाहिए, तो इसमें से पहले एप्पल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कोमा डालेंगे, अब कितना आपको राइट से थ्री वर्ड चाहिए, तो थ्री लिख देंगे, क्लोज करेंगे। अब एंटर जब करेंगे तो देखिए आपके जो लास्ट का पी एल ई, एप्पल का जो पी एल ई यहाँ पास आ चुका है। अब लेफ्ट से अगर लेना है तो आपको लेफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लेफ्ट, सब में फॉर्मूला में इक्वल टू लगाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पास लिख दिया लेफ्ट, अब इसमें से कंप्यूटर में सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक। अब इसको कोमा डाले, आपको कितना जो वर्ड चाहिए लेफ्ट से, जैसे फोर वर्ड चाहिए मेरे को, फोर लिखा, क्लोज किया, एंटर दबाया, तो देखो सी, देखिए सी ओ एम पी, जो शुरुआती का सी ओ एम पी आ चुका है, ठीक है। अब प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी अब लिखे, जैसे मैं इक्वल टू प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है। पहले कुछ इसको स्पेलिंग गलत कर देते हैं, रुकिए इसको मैं पहले गलत कर देता हूँ। जैसे कोई वर्डिंग है, ठीक है, इसको जैसे एम ओ, अब इसको बिग में ओ है, स्मॉल में पी है, फिर आई है, फिर देखिए फिर एल, फिर छोटा में एल, ये देखिए आपके कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। इसको प्रॉपर में करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसको लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर लिख दिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये जो मोबाइल है इसमें क्लिक कर देना आपको, ब्रैकेट क्लोज, जब एंटर करेंगे तो देखिए आपका जो मोबाइल है आपके प्रॉपर में लिखा के आ चुका है, ठीक है। अब फ्रिज अपर, अब इसका क्या होता है यूज, देखिए देखिए अब कोई सेल में देखिए क्लिक किए, अब मेरे को इसको क्या है, देखिए फ्रिज जो लिखा हुआ है स्मॉलर लेटर में लिखा, इसको अपर में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वही सेम है, इक्वल टू अपर, अपर लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए फ्रिज को, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मारिए, देखिए आपका जो कैपिटल लेटर में आ चुका है। सेम है टेबल को भी, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू ये तो पहले से स्मॉल में लिखा हुआ, जैसे अगर मान के चले ये इसको फ्रिज को मैं करना है, ठीक है मेरे को, तो इसको स्मॉलर में करना है, तो फिर से इक्वल टू लोअर, लोअर ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसको क्या करना है हम लोग को, फ्रिज को करना है, ठीक। फ्रिज में क्लिक किए, इसमें किए एंटर मारे, देखिए फ्रिज जो है स्मॉल में लिखा गया। अब क्लीन, अब इसको जैसे देखिए क्लीन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको मैं इसको बोल्ड बोल्ड कर दिया, बोल्ड इटैलिक लाइनिंग डाल दी, इस तरीके से पूरा मैं चेंज किया उस फंड को। अब इसको मेरे को क्लीन मैंने पहले जैसे करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू क्लीन लिख दिए, ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसमें से क्लीन में से हाउस को देखिए सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखिए आपका पहले जैसे हाउस आ चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं डेट एंड टाइम में, अब डेट टाइम में देखते हैं क्या होता है। इसके लिए मैं भी टू शीट पहले से बना चुका हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डे आपका, जैसे टुडे आपको देखना है कि क्या है आज का डेट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी डे, इसको फिर ब्रैकेट क्लोज और नंबर से कर दी, जब इसको एंटर करेंगे, सॉरी गलत हो गया। देखिए अब डे का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए मैं पहले से यहाँ पे डेट एक लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं गया, ठीक। अब इसमें मैं क्या करना है कि मेरे को आज का डेट देखना कितना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें से देखिए आपको क्या करना है, इसमें डेट में क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, सॉरी फिर से करते हैं, इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट,
अब इसमें से इसको क्लिक कर दीजिए, फिर इसको क्लोज कीजिए। देखिए आपका जो आज 14 डेज इसका दिया गया 14 तारीख, तो देखिए 14 तारीख आ गया। अब मंथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस इक्वल टू, अब इसमें मंथ लिखिए, लिख दिया मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें क्लिक किए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 6 मंथ। ठीक है, अब ईयर देखने के लिए सेम आपको ईयर इक्वल टू ईयर लिखना है, फिर इक्वल टू करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं L7, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्लोज, एंटर, देखिए 2022। अब आपको टुडे देखना है, आज का कौन सा डेट है। अब इक्वल टू में किया, अब इक्वल टू करने के बाद अब इसमें आज का डेट आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें से टुडे लिख देते हैं, टुडे लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज कर दीजिए, एंटर मारिए, देखिए आज का दिख गया कि आज का इतना डेट है। नाउ अभी का देखना तुरंत जस्ट, तो आपको फिर इक्वल टू सेम करना है, इक्वल टू नाउ, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज, एंटर, देखिए पूरा दिखा गया आज 13 तारीख, 6 और आपका टाइमिंग कितना हो रहा है, इतना 1:51 टाइमिंग हो रहा है। तो चलिए डेट ऑफ टाइम आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब लुकअप रेफरेंस क्या होता है, इसमें आपका ये होता है कि जैसे देखिए आप कोई वैल्यू को आपको चेक करना है, जैसे कोई टेबल बनाया, जैसे देखिए मैं ये टेबल बनाया हूँ। ठीक है, आपको इसमें से जैसे देखिए सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और सेल्स, इसमें से आपको जैसे कुछ निकालना है, तो आप जैसे कुछ भी एंटर करेंगे, जैसे 5 नंबर को किया तो इसमें बता देगा कि मोबाइल इतना सेल्स हुआ है। ठीक है, तो ये उतना खास नहीं है। और मैथ, और चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मैथ्स एंड ट्रिग में। ठीक है, देखिए अब मैथ्स एंड ट्रिग में क्या होता है कि देखिए इसमें से कुछ मैं इम्पोर्टेंट ले चुका हूँ, एबीएस, इवन, ऑड, रैंड और रैंड बिटवीन। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ नंबर को यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं देखिए कोई नंबर लिया हूँ, ठीक है, कोई माइनस प्लस में दिया गया है, कोई प्लस में, कोई माइनस में, तो मेरे को देखिए जो नंबर है मेरे को हम प्लस में ही चाहिए, मैंने सीधा नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बगल में किए, अब आपको एबीएस का फॉर्मूला डालना है, इक्वल टू एबीएस। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट, अब आपको एक नंबर ले लेना ये वाला। ठीक, अब इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर जब करेंगे तो आपको देखिए जो ये प्लस में था ये प्लस में आ गया। अब जैसे आपको नीचे तक करेंगे तो जाके बाकी का जो देखिए जितना भी नंबर है ये आपका कितने किस में आ गया, प्लस में हो गया। अब इवन, इसमें से आपको इवन नंबर निकालना है। ठीक है, ये तो ऑड में है, तो जब इसका तो और देखिए क्या होगा इसमें, तो देखिए इवन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू, ठीक, अब इसमें इवन लिख दीजिए, अब कोई भी वैल्यू को ले लीजिए, जैसे 25, एक मिनट फिर से करते, इक्वल टू इवन, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट, अब जैसे देखिए ये नंबर को ले लिए, ठीक है, 25, इसको सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर करेंगे तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, देखिए 25 है, तो उसके आपके आगे नंबर बताएगा 26, अब इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा नंबर जो इवन में आएगा। ठीक है, 35 है तो 36, तो इसमें 65 है तो 66, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं डाल दिया, अच्छा इसको रहने देते हैं, रुकिए, अगर आपका 44 है इवन में तो यह क्या होगा, आपको घटा के दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ कोई नंबर 44, ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं, इक्वल टू इवन, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट किए, क्लोज किए, एंटर, ये देखिए आपका जो 44, सॉरी ये तो इवन में पहले से था, तो मैंने देखिए समझिए बात को, अगर आप कोई भी नंबर निकाल रहे हैं तो इसमें से इवन में तो आपके ये एक नंबर बढ़ा के आएगा। ठीक है, जैसे आप ऑड में निकालते हैं, तो ऑड के लिए सेम वही फॉर्मूला है, इक्वल टू ऑड, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, अब इसमें 25 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो देखिए जो आपका जो ऑड है तो ऑड ही में आएगा। ठीक है, और अगर कोई
ये देखिए ऑड में, बाकी सब पूरा ऑड ही में आया है। देखिए एक मिनट, ये फिर सेम आ गया है, एडिट करते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप कोई इवेंट में नंबर है, जैसे देखिए 44 जैसे इवेंट में, ठीक है, इसको फिर से यहाँ पर करते हैं इक्वल टू ऑड ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए जो 44 आगे चले गए 45 में, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब रेंज का मतलब क्या होता है, इसमें फॉर्मूला लगाइए रेंज इक्वल टू रेंज, फिर ब्रैकेट क्लोज और स्टार्ट और क्लोज कर दीजिए। जब ऐसे करेंगे तो आपका कोई भी मतलब वैल्यू इस तरीके से आपका आ जाएगा। इस तरीके से देखिए कोई भी वैल्यू आ जा रहा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब रैंक बिटवीन क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिए, ठीक है, जैसे मैं कोई 10, जैसे मैं यहाँ से लिखा हूँ 10 से 100 तक के बीच में कोई नंबर चाहिए, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, रैंक बिटवीन, रैंक बिटवीन, ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें से इसको ले लेते हैं, इसको ले लिए 100 तक, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं डालते इसमें, नेक्स्ट में देखते हैं, चलिए इक्वल टू रैंक बिटवीन, ठीक, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए अब रैंक बिटवीन लिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो कम नंबर इसको फिर सिलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोमा, फिर जो आपका हाई वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो सॉरी दूसरा आ गया, मैं फॉर्मूला ही गलत डाल रहा हूँ। देखिए फिर से करते हैं इक्वल टू रैंड, आर ए एन डी होगा, ठीक है, बिटवीन, देखिए यहाँ पास आ गया फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट कर भी सकते हैं बिटवीन, ठीक। अब स्टार्ट करें, अब बॉटम में कौन है 10, और टॉप में कौन है, इस पर पहले कोमा डाल दीजिएगा, टॉप में 100, अब इसको क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिए, देखिए आपका 62। जरूरी नहीं कोई, मैंने आपके 10 से 100 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब आपका मैंने एक तो पर्टिकुलर कोई नंबर आए। तो इस तरीके से आप देखिए आपका 00 पूरा आ गया जब आप नीचे करेंगे इसको, तो ठीक, अब इसको भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए मोर फंक्शन से एक तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, देखिए जैसे इसमें से एक तो एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे इस नंबर का बाइनरी कोड निकालना है जैसे, तो इसमें लिखिए आपको फॉर्मूला क्या डालना पड़ेगा, देखिए इक्वल टू, ठीक, एक तो फॉर्मूला है डी ई सी, ठीक है, इसमें देखिए आप कुछ भी निकाल सकते, डी मैंने डेसिमल टू बाइनरी निकाल सकते, या डेसिमल टू हेक्सागोनल, डेसिमल टू ऑक्टागोनल, इस तरीके से देखिए पूरा दिया गया है, तो मेरे को बाइनरी निकाल, डेसिमल टू टू कर दिए, बाइनरी बी आई एन, ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा नंबर का निकालना है, इसको निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखिए सॉरी कुछ गलती हुआ, ठीक है, इसको पहले कर लिए, यहाँ यहाँ पर बी आई बी लिखा गया था, बी आई एन हुआ, ठीक, एंटर करेंगे तो देखिए बाइनरी नंबर पे आ चुका है। अब इसको ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपका पूरा बाइनरी नंबर आ चुका है। जस्ट अब आपको इसका, अब इसको आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपको बाइनरी से डेसिमल में करना है, ठीक है, कोई ऐसे सीक्रेट वर्ड के लिए कोई भेजता है आपको, जैसे कुछ काम करते होंगे फ्रीलांसर सब, तो जैसे किए, ठीक, इसको अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, बाय बी आई, सॉरी इक्वल टू पहले करिए, इक्वल टू बी आई एन, ठीक है, अप टू डी ई सी, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखिए इसका नंबर पे आ गया डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कि नेम मैनेजर, और ये देखिए अब फॉर्मूला फंक्शन लाइब्रेरी में मेन मेन जो था फॉर्मूला उसको देख चुके हैं, ठीक है, इसका डिटेल अगर और देखेंगे बाद में, मैं बनाऊंगा किस चीज का पार्ट में बताऊंगा, फाइनेंशियल लॉजिकल का एक चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए इसमें है नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, इस तरीके से पूरा दिया गया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई टेबल है तो पहले तो और टेबल कुछ बना लेते हैं, तो नेम मैनेजर को पहले समझने से पहले आपको क्या है डिफाइन नेम को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक तो टेबल बनाया हूँ, ठीक है, टेबल आप पहले बना लीजिएगा तब आपको समझ आएगा। टेबल बनाने के बाद क्या किया हूं मैं, टेबल आप कहाँ से बनाए थे, होम में जाना है,
पहले सिलेक्ट कर लीजिए इसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर में आ गए, यहाँ से टेबल ले सकते हैं बॉर्डर से, ठीक। इधर टेबल ली, मैं कोई वैल्यू लिख दिया हूँ कुछ भी, 44, 46 देखिए कहीं भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम डिफाइनर में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट में नेम लिखना है, इसको बने आप ये जो बना रहे एरिया इस तरीके का, इसको पहले नेम कुछ डालना है, ठीक है। तो सिलेक्ट पहले कर लेना है, पहले सिलेक्ट करना है, फिर नेम डिफाइन में आना है। अब इसमें से आपको क्या करना है, कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैं नाम देता हूँ ABC, ABC नाम डाल दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। अब ओके कर दिए। अब मेरे को देखिए, अब सब नंबर तो इधर उधर है, तो इसको मेरे को बहुत सारे, जैसे आपका टेबल है, आपको कुछ इसको प्लस करना चाहते, कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू करना है, सम करना है, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब जो आप जो इसमें से नाम दिए थे टेबल का, उसको ABC कर दें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर जब करेंगे तो आपका देखिए ये जो इतना नंबर है आपका टोटल होके आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप नेम डिफाइनर का यूज होता है। अब यूज इन फॉर्मूला, तो जैसे देखिए मैं इसमें थोड़ा टेबल का कुछ नाम दे दिया, इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें कोई नाम डाल देते हैं, इसका नाम जैसे डाल दिए XYZ, ठीक है, XYZ डाल दिए, इसको ओके कर दिया। अब ये यूज इन फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि आपका जो जो आप टेबल का नाम दिए हैं इसमें से आपका शो होने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं नेम मैनेजर, नेम मैनेजर जैसे आप देखिए बनाए थे जो जो आप टेबल का जो नाम दिए थे नेम मैनेजर में, वो आ चुका है। आप चाहे इसमें से डिलीट कर सकते हैं, देखिए डिलीट कर दिया। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, दूसरा नाम डाल सकते हैं, इस तरीके से इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, और ये सिलेक्शन के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट किया, डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब कोई भी नंबर में लिखा, जैसे 45, जैसे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 45, नेक्स्ट 52, 25 और 35, ठीक है। अब इसे मैं उसको प्लस करना है, ठीक है, प्लस किया मैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये चारों को मैं प्लस कर दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले जहाँ आप फॉर्मूला यूज किए वहां पर आपको कर्सर को रखना, कर्सर रखे। अब आपको क्या करना है कि जो ट्रेस प्रेसिडेंट इसमें क्लिक जब करेंगे तो देखिए आपको बता दिया कि ये जो आपका जो प्लस किया गया है ये इस नंबर के साथ किया गया है, ठीक है। अब जैसे अलग अलग कर रहे हैं, जैसे फिर से कोई जैसे नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लिया और कोई नंबर, ठीक है। अब मेरे को जैसे दो नंबर को प्लस कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से इक्वल टू सम ब्रैकेट, अब इसमें से दो नंबर ले लिए, जैसे देखिए इसको ले लिए और इसको ले लिए, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट इसको किया, आप फिर से इसमें रखे, ट्रेस में जाना है आपको, ये देखिए आप ये दो नंबर का इसमें प्लस किया गया, इस तरीके से आपका ये शो होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और अगर देखिए यहाँ पर से लगा हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पर आए ट्रेस किए, अब इसको रिमूव करना है, तो रिमूव में जाना है, रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब शो फॉर्मूलाज, अब इसमें से आप जब शो फॉर्मूला करेंगे तो आपके देखिए जो जो जहां जहां फॉर्मूला लगा है वहां शो होने लगेगा, ठीक है। अब एरर चेकिंग क्या होता है, जैसे एरर, जैसे आप कोई कुछ गलती किए हैं टेबल में तो इसका एरर दिखाता है। जैसे चलिए यहाँ पर से कोई टेबल में आते हैं हम लोग, देखिए देखिए स्टूडेंट का टेबल, देखिए जो ग्रीन ग्रीन टेबल जो दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये आपका एरर शो हो रहा है, लेकिन एरर नहीं है, मतलब ये बता रहा है कि जैसे देखिए मैं यहाँ तक सिलेक्शन करके यहाँ पर प्लस किया था, ठीक है। तो ये मैंने बोल रहा है जो PC की, मैंने ये नंबर को आप क्यों नहीं लिए प्लस में, तो वही चीज ये यहाँ पर शो हो रहा है, एरर बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपका ये एरर नहीं, इसको आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एरर चेकिंग में जाना है, एरर चेकिंग खुल गया देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर रख दिया अपना कर्सर, अब इसको इग्नोर में क्लिक करना है, और फिर आपको नेक्स्ट करते चलना है, तो आपके देखिए ये जो इग्नोर, फिर नेक्स्ट में आना, इग्नोर, फिर नेक्स्ट, इग्नोर एरर, नेक्स्ट, इग्नोर एरर, इस तरीके से आपका जो एरर है ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एवोल्यूट फॉर्मूला, इसमें तो अब देखिए वही सेम फॉर्मूले का है दिया गया है। देखिए अब ये जो विंडो
वॉच विंडो, जैसे देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया ठीक है कुछ ऑप्शन को, वॉच विंडो करेंगे तो सेम आपका जो शीट है सेम वही इसमें भी शो होने लगेगा। जैसे सिलेक्ट किए अभी तो शो नहीं हो रहा है, इस तरीके से इसका मैंने आपका शो होने लगेगा। अब कैलकुलेशन ऑप्शन में आते हैं, जैसे देखिए देखिए कैलकुलेशन में क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन में जैसे इसमें क्लिक किया ठीक है, ये ऑटोमेटिक कलर, जैसे मैं कुछ नंबर यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पर 55 की जगह लिख देता हूँ 1 नंबर, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ टोटल में, देखिए यहाँ पर टोटल में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को चेंज नहीं करना है, जैसे कुछ भी मैं चेंज करता हूँ मेरे को मैनुअली चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक है आप इसको क्या करिए मैनुअल में जब क्लिक कर देंगे आप कुछ भी, जैसे चेंज किया यहाँ 55 में कर देता हूँ, देखिए आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा। आप फिर इसको फिर ऑटोमेटिक में करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज होगा ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट में ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट वही है, जैसे देखिए आप जैसे मैनुअल इसको ये ऑप्शन कब खुलेगा, जैसे आप इसको मैनुअली में कर चुके हैं ठीक है। अब जैसे कुछ भी इसमें इसके वैल्यू को चेंज किया 66 कर दिए, अब जैसे कैलकुलेट यहाँ पर आए कैलकुलेट नाउ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक में आपका काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक है तो इस तरीके से नहीं होगा ठीक है। तो बाकी एमएस एक्सेल का 4 पार्ट में फॉर्मूलाज जो मैं इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया हूँ। अब कल देखेंगे डाटा रिव्यू सब, फिर अगले पार्ट में देखेंगे ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, देखिए मेहनत भी लगता बनाने में, और भाई को सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए जिससे मुझे और मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने में, और लाइक जरूर 500 लाइक तक के पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।